ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने किसानों के समर्थन में एकजुटता दिवस मनाया और किसानों की मांगों को उचित बताते हुए उनके द्वारा जारी आंदोलन का समर्थन किए जाने की घोषणा की। संगठन के पदाधिकारी जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थानों को प्राइवेट सेक्टरों के हवाले करने पर आमादा हो चुकी है। इसी क्रम में कृषि क्षेत्र को भी अब कारपोरेट घरानों के हवाले किए जाने की योजना है, जिसके सबसे बड़ा नुकसान किसानों को होगा। किसान देश के अन्नदाता हैं। सरकार ने एक नहीं तीन तीन किसान विरोधी बिल पास कराए हैं, जिनको वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और पानी की बौछारें की जा रही हैं। लेकिन किसान अपनी मांगों के समर्थन में अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। कहा गया है कि हमारा संगठन किसानों के साथ है और जब तक सरकार तीनों किसान विरोधी बिलों को वापस नहीं लेती है, तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा और संगठन भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए संगठन के संयोजक कामरेड अविनाश सक्सेना ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया। ये जो दिल्ली में किसानों के द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ जो कानून बनाया गया है, जिसमें तमाम सारी किसानों के लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन, तमाम ऐसे काले ये तीनों कानून ऐसे पास किए गए जिससे किसानों की जो स्वायत्तता है वो समाप्त हो जाएगी, किसानों की जमीनें काफ़ी हड़पने में मदद मिलेगी, जमाखोरी पे तमाम सुविधा हो गई। इन सब कानूनों के खिलाफ और जो सरकार हठधर्मिता के चलते किसानों से वार्ता नहीं कर रही है और उन्हें उनकी मांगे नहीं स्वीकार कर रही, उसके समर्थन में एमएस द्वारा एकजुटता दिवस का आयोजन किया गया। क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे इसमें कि एमएसपी की व्यवस्था की जाए, जो तीनों काले कृषि कानून हैं उन्हें समाप्त किया जाए, उनकी खरीद एमएसपी पे सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शन में हरकिशोर सिंह एडवोकेट, शिशुपाल सिंह, संजीव शुक्ला, नंदराम, इस्लाम अली, प्रदीप, रूबी खान, विजय पाल सिंह, माया राजपूत, मोहम्मद गौरी एडवोकेट एवं राजा आदि शामिल रहे।